मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में जगत जननी माता विंध्यवासिनी का द्वार अब पीतल की जगह चांदी का हो गया है। चांदी के बने 101 किलो का दरवाजा झारखंड के भक्त संजय चौधरी ने लगवाया। इसे माता रानी की कृपा बताते हुए कहा कि यह सब मां के आशीर्वाद का फल है। विश्व विख्यात जगत जननी माँ विंध्यवासिनी माता के गर्भगृह में झारखंड रांची के भक्त संजय चौधरी ने चांदी का द्वार लगवाया। इस मौके पर माता विंध्यवासिनी के दरबार में विशेष पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। बता दें, दरवाजे का निर्माण राजस्थान झुंझुन के कारीगर विक्रम प्रमोद गोपाल एवं संजय ने किया है। क्या नाम है आपका? देवता गुरु पांडे। महाराज जी, बताइए कि यहाँ पर जो दरवाजा लगा हुआ है, कितने किलो लगा हुआ है और किसके द्वारा लगाया गया है? ये एक जो है रांची के जीत नारायण जी के यजमान हैं, ये संजय चौधरी जी हैं। 101 किलो का चांदी का गेट माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में समर्पित किया गया संजय चौधरी जी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास है। हम लोग यही कामना करेंगे, माँ विंध्यवासिनी से आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे कि संजय चौधरी जी का परिवार खूब आगे बढ़े, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और समस्त भक्तों को माँ विंध्यवासिनी में अपने तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए जिससे आगे जीवन में उनके खुशहाली हो। उनका प्रोग्राम भी है कुछ भंडारा? और हाँ जी, ये 500 से 600 लोगों का राजे संजय चौधरी जी ने एक भंडारा रखा हुआ है और रात में यहाँ जागरण का कार्यक्रम भी है। माता विंध्यवासिनी के दरबार के प्रथम गणेश द्वार को 101 किलो के चांदी से बनवाया गया है। इसके पूर्व यह द्वार पीतल का बना था, अब उसकी जगह चांदी के द्वार लगा है। माता विंध्यवासिनी के दरबार में करीब 25 वर्षों से झारखंड के रांची से माता का दर्शन पूजन करने के लिए संजय चौधरी सब परिवार दोनों नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते थे। नवरात्रि के दौरान मां के द्वार को देखकर अपने मन में संकल्प था कि एक दिन चांदी का दरवाजा मां के आशीर्वाद से लगवाऊंगा। मां ने मनोकामना को पूर्ण करते हुए सब कुछ प्रदान किया। माता रानी की कृपा से चांदी का द्वार लगवाने का संकल्प पूरा हुआ। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हूँ, मैं रांची झारखंड निवासी हूँ। मैं माँ के यहाँ पिछले 25 सालों से आ रहा हूँ। माँ की असीम कृपा हमारे तथा हमारे परिवार में बनी हुई है। हमारी इच्छा, जब भी मैं यहाँ आता था तो पीतल की जो माँ की दरवाज़ा है उसे देख के मेरी इच्छा जाहिर होती थी कि काश यदि यह चांदी का होता। फिर माँ से मैं ये मांगता रहा कि माँ मुझे ये शक्ति प्रदान करो कि मैं ऐसा कर सकूँ, और माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके माँ की कृपा से चांदी का दरवाज़ा मैं आज अर्पित कर पाया हूँ। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि माँ की कृपा हमारे परिवार में बने रहे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा काम मंदिर परिसर में सदा चलता रहे। ऐसी माँ की कृपा रहेगी तो ऐसा होगा। जागरण भी करा रहे हैं? हाँ, आज हमारा अभी पूजा के बाद में भंडारे का प्रोग्राम है, जिसके अंदर में 1000 आदमी भंडारे के अंदर में भोजन करेंगे और उसके बाद संध्या 8 बजे से हम लोग का भजन का प्रोग्राम है जिसके जागरण होंगे, और उसके हिसाब से आज पूरे मंदिर के 2 दिन पहले लगने वाला। क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? कुछ नहीं, दिक्कतें विशेष नहीं थी। पंडा समाज से हमने पहले लिखित आदेश लेके इस पे कार्यक्रम शुरू कराया था, लेकिन जब परसों हमें आया तो कुछ सरकारी अनुमति की भी आवश्यकता पड़ी, जैसा कि उन्होंने बताया कि परसों एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सरकार से भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, तो कल हमें अनुमति मिल गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माता विंध्यवासिनी के दरबार में रजत द्वार लगने से स्थान तीर्थ पुरोहित खुश हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्यवासिनी का सभी द्वार चांदी का हो जाए, मां अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहें, हम सबकी यही कामना है। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट।